जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जैके की तलाश में हाज़िर खिदमत हूँ। आप सुनाएं क्या हाल चाल है। अल्लाह का शुक्र है हम सब ठीक हैं। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ वो है जैके की प्लेट। ये बहुत मज़े की रेसिपी है तो थोड़ी लंबी, मगर मैं आपको मुख्तसर करके इसको बता देती हूँ। मैंने दो लेग पीस लिए हैं स्किन के साथ, तो उनको मैंने कट लगा के मसाला वगैरह लगा दिया है। मसाले में मैंने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें नमक लिया है 1 चम्मच, काली मिर्चें हैं 1 चम्मच, और टीस्पून छोटी वाली ना, और इसी तरह मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच। उसके बाद मैंने जो लिया है वो है चाट मसाला, वो आखिर पे लगाऊंगी जब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा स्टीम होने के बाद। काली मिर्चें हैं, इस काली मिर्च के साथ साथ मैंने दादर लाल मिर्च ली है सुरख वाली, हरा धनिया भी लिया है वो बाद में डालूंगी, मगर अभी जो मैं बता रही हूँ वो है खुश्क धनिया और जीरा है। ये चीजें मैंने ली है, लेमन लिया है जो इसके ऊपर लगाऊंगी। सारा मसाला लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लेमन लगाऊंगी, लेमन के बाद मैं इस पे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा लगा दूंगी ताकि वो जो मसाला है वो अच्छी तरह चिपका रहे। मैंने इस चिकन को पहले से मसाला लगा के रख दिया था ताकि मसाले का तमाम जो जायका है वो चिकन के गोश्त के अंदर रच बस जाए। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, जो टमाटर है उसकी मैं बनाऊंगी सॉस यानी चटनी बनाऊंगी। वो बस सिर्फ ये है कि टमाटर को घी में फ्राई करके थोड़ा सा नमक जितना आप चाहते हैं हसबे जायका, और मिर्च हम लोग तो थोड़ी तीखी खाते हैं आप अपने हिसाब से लगा लें। उसको टमाटर को अच्छी तरह गला के, अच्छी तरह पानी डाल के गला लें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें तो ये आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। जो मैंने आलू आपको दिखाए हैं रेसिपी के अंदर उनको मैंने काट लिया है, आलूओं को ना पहले से मैंने तैयार करके रख लिए थे, काट लिया है गोल, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। उसमें थोड़ी सी नमक, सुरख मिर्च और उतारते हुए काली मिर्च लगाऊंगी। चावल जो है वो मैंने जैसे सिंपल घरों में उबाल लेते हैं पानी डाल के, नमक और ऑयल लगा के ना, इसी तरह मैंने ये चावल उबाल लिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं शुरू करती हूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले मैं अब इसको ओवन में लगाती हूँ चिकन को, तो साथ में मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये मैंने ओवन में रख दिया है चिकन को, इसमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसकी स्किन मैंने नहीं उतारी, तो स्किन आपको पता है इसमें काफी फैट होता है, लिहाजा इसको लगाने की जरूरत नहीं है ना फैट। मैंने इसी तरह रखूंगी, जब 10 मिनट बाद इसकी जो है वो तय पलट दूंगी, तैयार हो जाएगा तो फिर निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। जी तो नाजरीन कैसे लगी आपको आज की रेसिपी जैके की प्लेट। ये थोड़ी लंबी थी रेसिपी, मैंने इसको शॉर्ट करके आपको बता दिया है, और मैंने जो थोड़ी सलाद थी उसमें टमाटर, खीरा और थोड़ा माइस लेके मैंने इसको छली के जो दाने हैं वो रख दिए थे ना सजावट के लिए, और खाने में भी अच्छे लगते हैं सलाद आपको पता ही है। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आप सबका। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।